हॉकर सेंटर की वीडियो सीरीज में हम आज आ पहुँचे हैं अल्बर्ट सेंटर पे। अल्बर्ट सेंटर एक टिपिकल हॉकर सेंटर है, बुगिस का जो एरिया है उसके बिल्कुल पास, एक बिल्कुल स्टेशन के पास ही है। 5-6 मिनट आपको लगेंगे वॉकिंग डिस्टेंस पे और आप पहुँच जाते हैं इस अल्बर्ट सेंटर के पास। काफ़ी एक रिलैक्स एरिया है, थोड़ा सा अंदर में है तो यहाँ पे स्ट्रीट वगैरह भी है आसपास बाहर उसके चलने के लिए, और बाहर में भी कुछ कुछ दुकानें हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव दुकानें हैं, लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो सामने में ये कम्प्लेक्स है, फूलू सो कम्प्लेक्स। तो लोकेशन इसका बिल्कुल बुगिस के पास है, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा अल्बर्ट कॉम्प्लेक्स। लेकिन यदि आपको जानकारी लेनी हो कि हाँ बुगिस के पास, यदि आपको किसी हॉकर सेंटर में जाने की इच्छा हो या खाने की इच्छा हो तो आप अल्बर्ट सेंटर में जा सकते हैं। तो अंदर जाते हैं एक बार अल्बर्ट सेंटर में और देखते हैं कि अल्बर्ट सेंटर में हमें किस किस टाइप के स्टॉल्स मिलते हैं। एक क्विक एक राउंड लगाएंगे, लंबा छोटा राउंड नहीं होगा, छोटा सा राउंड होगा। और घुसते ही आपको दिखता है सिराज फेमस वाटरलू स्ट्रीट इंडियन रोजक। तो इंडियन रोजक के नाम से इन्होंने दिया है यहाँ पे, इंडियन मलय ऐसा करके कुछ हो सकता है। उसके बाद है सातून ड्रिंक्स कॉर्नर। तो अल नाइम मुस्लिम फूड है यहाँ पे, रोटी पराठा और मुर्तबक। चिकन बिरयानी वगैरह। तो मुस्लिम फूड स्टॉल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि पोर्क वगैरह को जो है सो सेपरेट करना होता है, थोड़ा सा खाने की दिक्कत हो जाती है तो उन्होंने सेपरेट स्टॉल्स बना दिया है। इधर टिपिकल चाइनीज़ फूड स्टॉल दिख रहा है आपको। ये एक पॉपुलर फूड स्टॉल लग रहा है, योंग ताओ फूड सिट। तो मेरे ख्याल से यदि आप यहाँ आते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग इसे पसंद करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी दुकानें जो है बंद दिख रही हैं, कॉच आप कुक फूड। $4, $5, $10 जो है सो मैक्सिमम प्राइस है। और अंथोनी इंडोनेशियन कुजीन है वहाँ पे। तो टिपिकल जो एक आपको मिक्स जो एक फूड मिलता है इंडियन और चाइनीज़ के अलावा, आपको जो एक कम्बिनेशन मिलता है वो आपको अल्बर्ट सेंटर में मिलता है। तो हमने देखा कुछ कुछ है, डिज़र्ट स्टेशन भी एक वहाँ पे दिख रहा है। खाने के बाद आपको इच्छा हो कुछ मीठा खाने की तो डिज़र्ट भी आपके लिए है यहाँ पे। दो फ्लोर है शायद, हमें एक बार दूसरे फ्लोर पे भी जाकर देखनी चाहिए कि क्या है नहीं है। थोड़ा सा चलते हैं। प्रिजर्व ड्राइड गुड्स एंड सनराइज थर्ड स्टोरी, सेकंड स्टोरी नहीं है, सीधा थर्ड स्टोरी। यहाँ पे शायद फूड स्टॉल नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें बिकती होंगी, नहीं बिकती होंगी देख लेते हैं एक बार, कुछ हम मिस ना करें इन केस यदि यहाँ पे कुछ फ़ायदे की चीज़ें मिलती हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दुकानें हैं और सारी चीज़ें अभी बंद है, कबूतर वगैरह गंदगी
लगी पड़ी है, क्योंकि क्लोजिंग टाइम जो है सो हो चुका है। तो यहाँ पे आपको सी फूड ट्रेडिंग, मतलब ये जो बड़े बड़े कार्टून है जिसमें आपको तेल वगैरह दिख रहा है, तो दुकान आप बोल सकते हैं कि राशन राशन की जो दुकान है वो ऊपर में आपको मिलेंगी थर्ड फ्लोर पे। ये देख सकते हैं आप वॉलनट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। और बर्ड नेस्ट, काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स की चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। तो आप सारी चीज़ें लगभग बंद है, क्योंकि समय हो भी हो चुका है, और हो सकता है कि अभी धीरे धीरे कोविड के कारण काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया हो, तो कुछ चीज़ें जो है आपको बंद मिलेंगी यहाँ। बड़ा सुनसान सन्नाटा है, नीचे में फूड स्टॉल से ऊपर में आपको दुकान है ड्राई फ्रूट्स वगैरह या फिर और भी चीज़ें जो आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाती है। और ये इस बोर्ड पे भी लगा हुआ है, थर्ड स्टोरी प्रिजर्व ड्राई फ्रूट्स सन्ड्रीज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। शुक्रिया। फिर आगे दूसरी जगह जाएंगे, देखेंगे और हमें क्या क्या दिखता है। फिलहाल ये था अल्बर्ट स्टेश अल्बर्ट कॉम्प्लेक्स का हॉकर सेंटर, जो कि बुगिस बुगिस स्टेशन के बिल्कुल पास है, बुगिस का एरिया है। और यहाँ पे आपको वही चीज़ें मिलती है जो इस वीडियो में आपने देखी है। तो अल्बर्ट सेंटर के पास चलते चलते हमें ये दूसरी भी एक थैंक यू थैंक यू। तो अल्बर्ट स्टेशन के पास आप अल्बर्ट सेंटर के पास आपको और भी चीज़ें खाने से रिलेटेड मिल जाती हैं, तो हमने सोचा कि उसे भी दिखा दिया जाए। लेकिन उससे पहले हम एक मंदिर देख लेते हैं जो बिल्कुल इस कॉम्प्लेक्स के पास है। ये एक मंदिर है हिंदुओं के लिए, और भगवान हनुमान और भी देवी देव आपको दिख रहे हैं। काफ़ी एक पुराना पुराना स्टाइल का है, लेकिन पुराना है या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये भगवान मंदिर आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। कैंपस है ये मंदिर का, इस मंदिर की डिटेल भी देख लेते हैं। श्री कृष्णन टेम्पल, बिल्ट ओवर 130 इयर्स अगो, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स इन अंडर बनियान ट्री इन वाटरलू स्ट्रीट, मीट्स ऑफ लार्ज हिंदू कम्युनिटी फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ लिविंग इन दी। तो ये श्री कृष्णन मंदिर है अल्बर्ट सेंटर के पास, और एक्चुअली में ये सिंगापुर के पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है। तो काफ़ी ये पुराना मंदिर है, 130 साल पहले इसका निर्माण हुआ। भगवान राम इसमें बसते हैं, हनुमान जी हमारे इस दरवाजे पे ही खड़े हैं। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जगह है ये अल्बर्ट सेंटर, हमारे हिंदू लोगों के लिए भी, और ख़ास हो जाता है तो खाने के पीने के बाद, या उससे पहले दर्शन भी कर सकते हैं आप।
और इस फूड की बात कर रहे थे तो एक दूसरा फूड कोर्ट है लाइक इस 269B जो बिल्डिंग है, ब्लॉक है, उसके बाजू में इन्होंने एक फूड कोर्ट बना रखा है। हॉकर सेंटर फूड कोर्ट में कोई डिफरेंस ज़्यादा यही होता है कि आप कितनी लंबाई चौड़ाई है और सेटअप कैसा कैसा है। तो हॉकर सेंटर में मोस्टली आपको जो है स्टॉल्स वगैरह मिलते हैं, यहाँ आप देखेंगे तो दुकानें जैसी आपको छोटी छोटी अंदर में एक साथ है जुड़ी हुई दिख रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग खाने की चीज़ें यहाँ पे, और ग्रेवी पॉरिज, जेली फिश। स्टॉल नंबर 12, स्टॉल ही बोलते हैं ये लोग इसको, अंतर ज़्यादा नहीं है। और आपको कभी कभी आश्चर्य होगा कि कैसे जो सिंगापुर में छोटे छोटे जो स्टॉल हैं उनको मिशलिन का जो है दर्जा दिया जाता है। तो ये जो चिकन करी बीहून, जो नूडल है, बीहून एक टाइप का नूडल होता है, उसको मिशलिन गाइड में रखा गया है। ब्लैक पेपर क्रैब, क्ले पॉट करी फिश, मछलियों का ढेर, वेजिटेरियन, ये वेजिटेरियन लिखा है, और लेकिन यहाँ पे आपको चिकन वगैरह शायद पोस्टर जो है सो गलत लगा दी इन्होंने, लेकिन ये है एक फूड कोर्ट 369B बुगिस के पास, और चाइनीज में इसका नाम है इस स्ट्रीट का। तो मेरे लिए पढ़ना मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल सटा हुआ अल्बर्ट सेंटर के पास एक फूड कोर्ट है, और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको खाने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है चिंग यान कोर्ट। तो चिंग यान कोर्ट जो है वो अल्बर्ट सेंटर के बिल्कुल पास है, सटा हुआ है उससे, और उसके अंदर भी आपको कुछ कुछ अच्छे अच्छे फूड के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और तब तक मैं कुछ यहाँ पे ट्राई करता हूँ। सो दिस वन इज हाउ हाउ टू कॉल योर शॉप, योंग टा फू, योंग टा फू, योंग टा फू। तो हमारे जो भाई वेजिटेरियन है उनको यदि वेजिटेबल नूडल वगैरह कुछ खाना हो तो यहाँ से वो, हाँ, वहाँ से आप 5 पीसेस है ना, 5 पीसेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और नूडल के साथ। तो 5 पीसेस में आपको यदि मान लो एग खाना हो, टोफू खाना हो, फिश, हाँ, तो ये हमारी ऑनर है, ये हमें समझाएंगी। हाँ ओके, तो यंग टाफू ड्राई, लक्सा यंग टाफू सूप, ये 4 तरह की डिशेज है यहाँ पे। और हम अभी जो ट्राई कर रहे हैं वो सूप है, तो यंग टाफू नाम से ही शॉप है, और काफ़ी अच्छा है। आपको मतलब वेजिटेबल वगैरह खाना हो तो ये बेस्ट रहेगा कि आप ये वेजिटेबल चूज़ करते हैं, और नूडल के साथ आप उसे ट्राई करते हैं। आप मीट आप नहीं खाना पड़ेगा आपको, तो ये एक वेजिटेरियन ऑप्शन है यदि आपको सिंगापुर में खाना हो। ऐसे ऐसे और भी शॉप मिल जाएंगे, लेकिन यदि आप यहाँ पे आते हैं और आप कुछ खोजते हैं तो योंग टाफू एक परफेक्ट जगह है, और ऑनर भी काफ़ी फ्रेंडली है। ओके, बिट स्पाइसी, लिटिल बिट स्पाइसी, या चिली चिली, हाँ, कैन 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 कैन, आई लाइक चिली, आई एम फ्रॉम इंडिया,
आई एम फ्रॉम इंडिया, इंडिया लाइक ए स्पाइसी इंडिया इंडिया। What is the name of this noodle? This one? This one? This one, I don't know. She also don't know. My name is called Imi. Imi, Imi, okay, Imi, Imi. Imi, Imi. Fried noodle, fried. Fried. Fried, fried. तो ये फ्राइड नूडल है, अलग अलग नूडल्स है, आप एक यदि बॉयल भी आप लेना चाहते हो, फ्राइड भी लेना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है। तो इमी आप जो है ये आप चाइनीज में बोलते हैं, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये है 369 फूड कोर्ट अल्बर्ट सेंट्री। ओके, चिली चिली या चिली। ओके, ये है हमारा नूडल और वेरी गुड। Okay. Thank you. Say bye bye. Yeah, okay. Thank you. Bye.